साल में कुल 12 शिवरात्रि होती है। इसमें महाशिवरात्रि और सावन के शिवरात्रि का अपना विशेष महत्व होता है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को सावन के शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। सावन के सोमवार की तरह यह दिन भी महादेव की कृपा पाने के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महादेव की पूजा के दौरान अलग अलग चीज़ों को यदि उन्हें अर्पण किया जाए तो शारीरिक, मानसिक और भौतिक हर तरह के कष्ट दूर होते हैं। काशी के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय ने बताया कि इस बार सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त को है। इस दिन भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए उन्हें जलाभिषेक के साथ कुछ खास चीज़ें भी जरूर अर्पण करना चाहिए और विशेष विधि से उनकी पूजा करनी चाहिए। आइए जानते हैं उनसे पूजा की पूरी विधि क्या है। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम अष्ट दलोपरि सेवित लिंगम, हमको उनको कुमकुम का चंदन लगाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए। अक्षत चढ़ाने से जो है धन धान्य की वृद्धि होती है। काला तिल चढ़ाना चाहिए, बृहस्चमे जवास्चमे मंत्र का जप करते हुए। काले तिल से जो शत्रु हैं, भूत बाधा, प्रेत बाधा, ये बाधा नष्ट हो जाती है। और भगवान शिव के ऊपर जो है नित्य जो है बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पण, एक बिल्वपत्र केवल अर्पण कर देने से 3 जन्म के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। तो हमको भगवान शिव को सबसे पहले बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए उनको विधिवत, और उनका श्रृंगार करते हुए उनका पूजन करना चाहिए, और मंदार माला, मदार की माला पहनानी चाहिए, और शिवलिंग के साथ साथ अर्घ्य की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अर्घ्य में भगवती का वास होता है। और विधिवत श्रृंगार करके कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। इस तरह से पूजन करने से हमको विशेष लाभ। जय विष्णु।